तो अब हमारा थर्ड चैप्टर आ गया है जो कि है मशीन्स। तो बच्चों मशीन जो होती है उसका काम होता है तीन काम याद रखने हैं, या तो वो फोर्स मल्टीप्लाई करेगी, फोर्स को मल्टीप्लाई, या तो वो स्पीड को मल्टीप्लाई करेगी, स्पीड को बढ़ाएगी, या तो वो चेंज करेगी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तीन काम होते हैं मशीन के, या तो फोर्स को मल्टीप्लाई करना बढ़ाना, या तो स्पीड को बढ़ाना, या डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को बदल देना। अब मशीन से रिलेटेड कुछ टर्म होते हैं, जैसे एक टर्म है लोड। तो लोड बच्चों वो चीज होती है जिसे हमें उठाना है, मतलब जहां पे हमें आउटपुट देना है, जिस चीज को हमें उठाना है, मतलब वो फोर्स जिसको ओवरकम करना है। फिर एक चीज होती है एफर्ट, एफर्ट जो हम इनपुट लगाएंगे, यानी जो फोर्स हमारी इनपुट में है उसको हम बोलते हैं एफर्ट। बच्चों एक टर्म होता है मैकेनिकल एडवांटेज, और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, ये सब सबने पढ़ रखा होगा, लोड को एफर्ट से डिवाइड कर दो, मैकेनिकल एडवांटेज। ये हमें बताता है कि फोर्स हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज कर रही, कितने टाइम्स फोर्स को मशीन इंक्रीज कर रही। ऐसे ही बच्चों एक टर्म होता है वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, मतलब आप किस स्पीड से काम कर रहे हो, आपकी इनपुट वेलोसिटी क्या है और मशीन की आउटपुट वेलोसिटी क्या है। ध्यान से देखो इन दोनों में डिफरेंस, यहाँ लोड ऊपर है और यहाँ पे एफर्ट ऊपर है। तो मैकेनिकल एडवांटेज याद कर लो, लोड अपॉन एफर्ट, और वेलोसिटी रेशियो इसका उल्टा, वेलोसिटी का रेशियो है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ठीक है, अब इन्हीं से सिर्फ MA और VR से आप टाइप्स ऑफ मशीन को क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे हमारे पास कोई मशीन हो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो और वेलोसिटी रेशियो भी ग्रेटर देन 1 हो, ऐसी मशीन बनती है बच्चों स्पीड मल्टीप्लायर, यानी स्पीड को बढ़ाती है। हमारे पास कोई मशीन हो जिसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 हो, वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 हो, ये बनेगी हमारी, इन दोनों टर्म से आप टाइप्स ऑफ मशीन को क्लासिफाई कर सकते हो। जैसे मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो, वेलोसिटी रेशियो ग्रेटर देन 1 हो, तो समझ जाओ ये मशीन है आपकी फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स को बढ़ाएगी। ठीक है, मान लो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 है, वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 है, तो ऐसी मशीन बनती है स्पीड मल्टीप्लायर। और मान लो मैकेनिकल एडवांटेज हमारा 1 आया और वेलोसिटी रेशियो भी 1 आया, तो ऐसी मशीन बनेगी चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो इस चीज को नोट करके याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फोर्स मल्टीप्लायर वो मशीन बनती है जिसका MA और VR 1 से ज्यादा हो, स्पीड मल्टीप्लायर वो बनती है जिसका MA VR 1 से कम हो, और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट वो करती है जिसका MA VR 1 हो। ग्रेटर देन 1 में याद कर लो फोर्स मल्टीप्लायर, लेस देन 1 में स्पीड मल्टीप्लायर, और इक्वल में चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अब बच्चों इसके बाद एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ईटा। तो ईटा का फॉर्मूला होता है MA अपॉन VR, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आने का बहुत चांस है, ये बहुत आता है, आपसे कहेगा इस रिलेशन को आप डिराइव करके दिखाओ, इस रिलेशन को आप प्रूफ करके दिखाओ, या इसके अराउंड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। तो कैसे डिराइव करेंगे बच्चों, एफिशिएंसी होता है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां पे भी वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। आउटपुट में कौन सी फोर्स होती है, एफर्ट, और डिस्प्लेसमेंट भी किसका होगा, एफर्ट का। इनपुट में कौन सी फोर्स होती है, लोड, सॉरी आउटपुट में कौन सी फोर्स होती है, लोड, और इनपुट में कौन सी फोर्स होती है, एफर्ट। भाई आउटपुट कहां पे मिलता है, लोड पे, और इनपुट कहां पे मिलता है, एफर्ट पे, और डिस्प्लेसमेंट भी किसका होगा, ये एफर्ट, और यहां पे क्या हो जाएगा, लोड, है ना। वर्क आउटपुट, आउटपुट कहां मिलता है हमको, लोड पे, डिस्प्लेसमेंट भी किसका होगा, लोड का। वर्क इनपुट, इनपुट कहां होता है, एफर्ट पे, डिस्प्लेसमेंट भी किसका, एफर्ट का। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको रीअरेंज करते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, तो बन जाएगा 1 अपॉन लोड अपॉन एफर्ट, इसको नीचे ले आते हैं तो बन जाएगा 1 अपॉन डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड। अब देखो लोड अपॉन एफर्ट ये क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, और डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड ये क्या बन गया, वेलोसिटी रेशियो।
तो हम प्रूफ कर सकते हैं लोड अपॉन एफर्ट को क्या लिख लो, मैकेनिकल एडवांटेज, और इसको नीचे लाके डिवाइड कर लिए, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव बाय लोड वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू MA अपॉन VR, ठीक है, ये प्रूफ आ सकता है। अब इसमें कई बार ऐसे लिखा होता है एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू MA अपॉन VR इनटू 100, तो दोनों में से सही कौन है, दोनों सही है। यहां पे आंसर तुम्हारा आएगा जैसे 0.8 तो यहां आंसर आएगा 80%, यहां तुम्हारा आंसर आएगा 0.2 तो यहां आंसर आएगा 20%, दोनों ही आंसर सही होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो बोर्ड में बहुत पूछता है कि ईटा, एमए और वीआर तीनों में से क्या चीज कांस्टेंट रहती है, क्या चीज कांस्टेंट रहती है, तो वीआर कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन मशीन, याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मशीन। इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, वेलोसिटी रेशियो, क्या क्या चेंज हो सकता है, एफिशिएंसी और मैकेनिकल एडवांटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेलोसिटी रेशियो इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मशीन एंड ईटा एंड एमए कैन चेंज, ठीक है। तो ये सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब बच्चों दो तरह की मशीन होती है हमारे पास, एक होती है आइडियल मशीन और एक होती है प्रैक्टिकल मशीन, तो दोनों के बारे में समझो। देखो आइडियल मशीन वो होती है जिसका एमए और बीआर बराबर हो, या जिसका वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट बराबर हो, या जिसकी इफिशियंसी 100% हो। और प्रैक्टिकल मशीन वो होती है जिसका एमए बीआर से कम हो, जिसका वर्क आउटपुट वर्क इनपुट से कम हो, और जिसकी एफिशिएंसी 100% से कम हो। तो ये डिफरेंस है आइडियल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन में। आपसे पूछे व्हाट इज द प्रिंसिपल, बहुत पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आइडियल मशीन, तो आप बोलो द प्रिंसिपल इज एमए इज इक्वल्स टू वीआर, वर्क आउटपुट इज इक्वल्स टू वर्क इनपुट, एफिशिएंसी इज 100%। फिर आपसे पूछे व्हाट इज अ प्रैक्टिकल मशीन जिसमें एमए वीआर से कम हो, वर्क आउटपुट वर्क इनपुट से कम हो, एफिशिएंसी 100% से कम हो। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, हम आपको एक बार जल्दी जल्दी बता दें। जैसे देखिए 2011 में आया कि प्रिंसिपल ऑफ आइडियल मशीन क्या है, तो ये हो गया। फिर हमारे पास 2011 में 2014 में आया था व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आइडियल मशीन, फिर 2011 में आया कि रिलेशनशिप बताइए एम ए वी आर ऑफ आइडियल मशीन, रिलेशनशिप ऑफ एम ए वी आर ऑफ आइडियल मशीन, एम ए इज इक्वल्स टू वी आर। फिर हमसे पूछा कि डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन एम ए वी आर एंड ईटा ऑफ मशीन, ईटा एम ए और वी आर का रिलेशनशिप डिराइव करिए, तो ईटा इज इक्वल्स टू क्या था, एम ए अपॉन वी आर। कैसे निकालेंगे, ईटा इज इक्वल्स टू वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, आउटपुट कहाँ पे होगा, लोड पे। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो लोड इंटू डिस्टेंस मूव बाई लोड, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इनपुट कहाँ होता है, एफर्ट पे, डिस्टेंस मूव बाई एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट क्या बन गया, मैकेनिकल एडवांटेज। इसको नीचे ले आएंगे तो एफर्ट अपॉन लोड क्या बनता है, वेलोसिटी रेशियो। तो ये डेरिवेशन आया था 2014 में। अच्छा तो इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट करिए कि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि एम ए वी आर का रिलेशन, या आइडियल मशीन और प्रैक्टिकल मशीन में, जैसे देखो 2011 में ये भी आया है व्हाट इज मेंट बाय एन आइडियल मशीन, तो बता दो जिसका एम ए वी आर बराबर हो, वर्क आउटपुट वर्क इनपुट बराबर हो, एफिशिएंसी 100% हो, ठीक है। तो ये इस पार्ट के सवाल हो गए। जैसे हमसे 2009 में पूछा विद रिस्पेंस टू मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, कौन सा टर्म चेंज नहीं होता गिवन मशीन के लिए, ईटा, एमए और वीआर में से कौन सा टर्म चेंज नहीं होता, तो आप बोल दोगे वेलोसिटी रेशियो गिवन मशीन के लिए चेंज नहीं होता। फिर इसी का दूसरा पार्ट 2009 में पूछा था कि इसको डिफाइन करो, तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, तो ऐसे आप बता सकते हैं। फिर हमसे पूछा 2002 में कि एमए और वीआर का रिलेशन बताइए, एम ए और वी आर का रिलेशन लगाइए आइडियल मशीन का और प्रैक्टिकल मशीन का, तो भाई आइडियल मशीन में क्या होगा, एम ए इक्वल टू वी आर, और प्रैक्टिकल मशीन में एम ए लेस देन वी आर। तो इस तरह के सवाल बहुत आ रहे हैं। चलिए बच्चों अब बात करते हैं लीवर्स की। अपने सिलेबस में ना दो तरह की मशीन हमें पढ़नी है, एक लीवर्स और एक पुलीज, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन सिलेबस से हट गया, गियर भी हट गया, खुश रहो। तो दो तरह की मशीन हमें समझनी है, लीवर्स और पुलीज। अगर लीवर का डिटेल वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे जाओ, मेरा एक डिटेल वीडियो लीवर के ऊपर पूरा कवर किया है। यहाँ तो हम शॉर्ट में वो बातें बताएंगे जो लीवर की एग्जाम में आ सकती है। तो बच्चों लीवर क्या होता है, लीवर एक रॉड होता है, इस रॉड में क्या क्या होता है, एक तरफ एफर्ट होता है, एक तरफ लोड होता है, और बीच में कहीं फलक्रम होता है।
पर श्योर नहीं है कि ऐसा ही होगा, ठीक है। फल्क्रम इधर उधर भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। तो लीवर के तीन क्लास होते हैं, पढ़ रखा होगा आपने क्लास वन, क्लास टू एंड क्लास थ्री। देखो, जिस लीवर में बीच में फल्क्रम हो वो क्लास वन, जिसमें बीच में लोड हो क्लास टू, जिसमें बीच में एफर्ट हो वो क्लास थ्री। तो फ्ली करके याद कर लो, FLE, फ्ली। क्लास वन में बीच में फल्क्रम, क्लास टू में बीच में लोड और क्लास थ्री में बीच में एफर्ट। तो फ्ली करके याद रखो, क्लास वन में बीच में फल्क्रम, टू में लोड और थ्री में एफर्ट। लीवर के बारे में एक बात और सुनो, लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला है वो है लोड अपॉन एफर्ट, बहुत बढ़िया। और एक और फॉर्मूला है, वो है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म क्या होता है? एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से। लोड आर्म क्या होता है? लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से। तो लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से लोड आर्म, एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से एफर्ट आर्म, ठीक है। तो लोड अपॉन एफर्ट या एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, इसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लीवर भी कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या है? लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, और इसी को दोनों को इक्वल किसके कर दो? मैकेनिकल एडवांटेज। सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मशीन। व्हाट इज एफर्ट आर्म? एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से। व्हाट इज लोड आर्म? लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से। आइए अब तीनों क्लास ऑफ लीवर के कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। ठीक है, देख लिया। अब बात करते हैं क्लास वन लीवर की, क्लास वन लीवर की। तो बच्चों, क्लास वन लीवर में बीच में आपने देखा फल्क्रम, यहाँ पे लोड और यहाँ पे एफर्ट। तो बच्चों, ये हो गया हमारा लोड आर्म, ये हो गया हमारा एफर्ट आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। वैसे मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। पर लीवर के लिए, लीवर के लिए इसका फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म में चेंज हो जाता है, याद रखेंगे। अच्छा, इन दोनों में से कौन बड़ा है? कोई भी बड़ा हो सकता है। हो सकता हो ये वाली लेंथ बड़ी हो सकता हो ये वाली लेंथ बड़ी हो। तो हो सकता हो एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा हो सकता हो लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा हो, या हो सकता है लोड आर्म एफर्ट आर्म के बराबर हो। मतलब हो सकता हो ये बड़ा हो, तब मैकेनिकल एडवांटेज कैसा आएगा? ग्रेटर देन वन। हो सकता हो ये बड़ा हो, तब मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? लेस देन वन। हो सकता हो बराबर हो, तो मैकेनिकल एडवांटेज वन। तो क्लास वन लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन वन, लेस देन वन, इक्वल टू वन, तीनों हो सकता है। मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर भी बन सकता है, ये स्पीड मल्टीप्लायर भी बन सकता है, और ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट भी बन सकता है। तो क्लास वन लीवर तीनों तरह की मशीन का काम कर सकता है। इट कैन बी अ फोर्स मल्टीप्लायर, इट कैन बी अ स्पीड मल्टीप्लायर, इट कैन बी अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। जैसे इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आया हुआ है कि हमारे पास सीजर है और पाइलर है, और दोनों ही सेम क्लास ऑफ लीवर है। तो हम सीजर बना लेते हैं, ये हो गई हमारी सीजर, और हम पाइलर बना लेते हैं, पाइलर है ना, इससे हम मेटल लेटल काटते हैं प्लास, ठीक है, इससे हम मेटल वगैरह काटते हैं। तो ये रहा फल्क्रम, दोनों हमारे सेम क्लास के। पूछा है किसका मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन है और किसका ग्रेटर देन वन। आइए, तो ये रहा फल्क्रम। अब सीजर में यहाँ पे आप कपड़ा रखते हो, पेपर रखते हो काटने के लिए, मतलब ये क्या है? लोड, इसको काटना है। यहां से आप क्या लगाते हो? एफर्ट, हाथ से पकड़ के। तो ये हो गया हमारा लोड आर्म और ये हो गया एफर्ट आर्म। तो कौन सा आर्म बड़ा है? लोड आर्म बड़ा है, मतलब नीचे वाला बड़ा है, मतलब क्या आएगा? लेस देन वन। तो सीजर का मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लेस देन वन। मतलब सीजर कैसे काम करती है? स्पीड मल्टीप्लायर। कैची में हमें दम नहीं लगाना होता, जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो स्पीड मल्टीप्लायर। क्यों हुआ? क्योंकि लोड आर्म बड़ा था। पाइलर की बात करो, बीच में फल्क्रम, यहाँ पे आप मेटल की शीट काटोगे, लोड, और यहाँ पे एफर्ट। इसमें देखो एफर्ट आर्म बड़ा है, तो अगर एफर्ट आर्म बड़ा हो जाएगा तो ग्रेटर देन वन फोर्स मल्टीप्लायर,
भाई मेटल को हाथ से काटना पॉसिबल नहीं, बहुत फोर्स चाहिए, तो उसके लिए यूज करते हैं पाइलर। ठीक है, क्लास टू लीवर में क्या होता है कि हमारा जो लोड होता है, जो हमारा लोड होता है वो बीच में होता है, फल्क्रम साइड में होता है और एफर्ट एक साइड में होता है। अब बच्चों क्लास टू लीवर के मैकेनिकल एडवांटेज की हम बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म एफर्ट का डिस्टेंस फल्क्रम से और लोड आर्म लोड का डिस्टेंस फल्क्रम से। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि एफर्ट आर्म हमेशा लोड आर्म से बड़ा होगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा वन से ज्यादा, मतलब ये हमेशा क्या बनेंगे, फोर्स मल्टीप्लायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच कम्स इन बोर्ड एवरी ईयर कि फोर्स मल्टीप्लायर क्यों बनते हैं क्लास टू के लीवर। ठीक है, ऐसा पूछा जाता है क्लास टू के लीवर हमेशा ही फोर्स मल्टीप्लायर क्यों बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आप ये बता दोगे कि इसका एफर्ट आर्म लोड आर्म से बड़ा होता है, इसलिए क्लास टू लीवर फोर्स मल्टीप्लायर बनते हैं। क्लास टू लीवर का एग्जांपल क्या हो गया हमारा, बॉटल ओपनर। ये एग्जांपल याद रखना, बोर्ड में ये एग्जांपल बहुत आता है, बॉटल ओपनर। बॉटल ओपनर किसका एग्जांपल है, क्लास टू का। अभी आपने इमेज में ये चीज देख भी ली है। अब बच्चों इसके बाद हमारे पास आते हैं क्लास थ्री लीवर। तो बच्चों क्लास थ्री लीवर वो होते हैं जिसमें एफर्ट बीच में हो, फल्क्रम साइड में और लोड एक साइड में। अब की बार मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो इस बार आप देखो ये रहा एफर्ट आर्म और ये रहा लोड आर्म। तो इस बार आप देखो लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा हो गया, तो ये बड़ा हो जाएगा जब इससे, तो मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन वन आ जाएगा, नीचे वाला बड़ा है, मतलब ये क्या बनेंगे, स्पीड मल्टीप्लायर। इनका काम क्या है, स्पीड मल्टीप्लाई करना। तो इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है हमारा क्लास थ्री लीवर का सुगर टॉन्ग। ठीक है, क्लास थ्री लीवर का हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुगर टॉन्ग, जिसको हम यूज करते हैं सुगर पकड़ने के लिए, या उसको एग्जाम में बोर्ड में फायर टॉन्ग नाम से दिया जाता है। तो बच्चे इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे फल्क्रम हो गया, ये क्या हो गया हमारा लोड हो गया, इसे हमें पकड़ना है, और बीच में क्या लगा रहे हैं हम, एफर्ट लगा रहे हैं। ये यूज होते हैं किसके लिए, स्पीड मल्टीप्लायर के लिए। तो बच्चों तीन क्लास ऑफ लीवर हमने पढ़ लिए, कौन कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये हमें समझ में आ गया। देखो फिर से समझ लो, क्लास वन लीवर तीनों पर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, फोर्स मल्टीप्लायर भी बन सकता है, स्पीड मल्टीप्लायर भी बन सकता है, और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड भी, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड भी। तो क्लास वन लीवर तीनों काम कर सकता है। क्लास टू की बात करें तो क्लास टू हमेशा क्या बनेगा, फोर्स मल्टीप्लायर, और क्लास थ्री की बात करें तो क्या बनेगा, स्पीड मल्टीप्लायर। तो आपसे पूछेगा कि क्लास थ्री लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन वन क्यों है, तो आप क्या करोगे, डायग्राम बनाओगे। थ्री लीवर है तो बीच में कौन होगा, एफर्ट है, साइड में कौन होगा, फल्क्रम, इधर कौन होगा, लोड। तो आप देख रहे हो कि इसका लोड आर्म एफर्ट आर्म से बड़ा है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, नीचे वाला बड़ा है तो लेस देन वन, लेस देन वन तो स्पीड मल्टीप्लायर। इसके बाद लास्ट ईयर बच्चों लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चन बोर्ड में जो आ रहे थे, तो उन्होंने हमसे कहा था कि हमको डायग्राम बना के दिखाइए लेमन क्रशर का, लेमन क्रशर का, और पूछा था लेमन क्रशर कौन सी क्लास का लीवर है, तो हम लेमन क्रशर का डायग्राम बनाएंगे। तो लेमन यहाँ पे रखा होता है, साइड में ऐसे फल्क्रम रखा होता है, और यहाँ से हम उसको क्रश करते हैं। तो बच्चों यहाँ साइड से आप एफर्ट लगाओगे, बीच में आपका लेमन है, इधर फल्क्रम है, तो देखो बीच में लोड है, तो एफ एल ई, तो बीच में लोड है तो मतलब कौन से क्लास का लीवर है, सेकंड क्लास का लीवर। इसका काम क्या होगा, देखो ये इसका एफर्ट आर्म जो कि बड़ा है, और ये इसका लोड आर्म जो कि छोटा है, तो एफर्ट आर्म इज ग्रेटर देन लोड आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन वन, मतलब क्या बन गया, फोर्स मल्टीप्लायर, क्योंकि नींबू को हाथ से निचोड़ना पॉसिबल नहीं, फोर्स ज्यादा चाहिए होती है, तो हम क्लास टू लीवर को यूज करते हैं। चलो हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंगल फिक्स्ड पुली। हाँ तो पुली पढ़ेंगे आज हम, 10 का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कोई टफ बात नहीं है इसमें। तो सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है, एक पुली है हमारे ऊपर और उसके ऊपर एक थ्रेड डला हुआ है, स्ट्रिंग डली हुई है, इस तरफ से लोड लगा है जिसे हमें ऊपर उठाना है। यहाँ पे बकेट ऑफ वाटर हो सकता है, यहाँ कोई पर्सन हो सकता है, यहाँ कोई सामान हो सकता है, और इस तरफ से हम एफर्ट लगाएंगे, वी विल अप्लाई एफर्ट, और एफर्ट से जब हम इसको खींचेंगे तो ये लोड उठता हुआ ऊपर आएगा। अब स्ट्रिंग में कौन सी फोर्स होती है, तो स्ट्रिंग में बच्चों जो फोर्स होती है वो होती है टेंशन फोर्स। कौन सी फोर्स, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स स्ट्रिंग में हमेशा एक्ट करती है, और टेंशन फोर्स किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट से दूर जाती हुई, जैसे इस पॉइंट पे यहां से दूर जाती हुई, इस पॉइंट पे यहां से दूर जाती हुई, और इस समय पुली के पास यहां से दूर जाती हुई और यहां से दूर जाती हुई,
फिर टेंशन की फोर्स इसमें एक्ट कर रही है। अब मैं पूछूं कि यहां पे लोड को, जो लोड नीचे गिर रहा है उसको ऊपर उठाने वाली फोर्स कौन सी है, तो आप बोलोगे सर टेंशन का फोर्स है। एफर्ट को बैलेंस करने वाली, या एफर्ट किस फोर्स को नीचे खींच रहा है, टेंशन को, यानी एफर्ट भी टेंशन के इक्वल, लोड भी टेंशन के इक्वल। अब हम टर्म निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज ये क्या है, रेशियो ऑफ लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड भी टी एफर्ट भी टी कैंसिल हो गया और कितना आया 1। तो क्या फायदा हुआ इसको निकालने का, देखिए अगर मैकेनिकल एडवांटेज 2 आता, कितना आता 2, इसका मतलब लोड 2 गुना होता एफर्ट का, मतलब हम कम एफर्ट लगा के बड़ा लोड उठा सकते थे, पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां पे लोड और एफर्ट बराबर है, इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 आया, मतलब जितना लोड था उतना ही एफर्ट लगाना पड़ा, मतलब ये मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रही। जैसे यहां पे लोड 10 न्यूटन का है तो हमें एफर्ट भी 10 न्यूटन का ही लगाना पड़ेगा, तो यानी ये मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रही, तो ये फोर्स मल्टीप्लाई नहीं बन पाई। अब दूसरा क्या ऑप्शन है इस मशीन के पास, दूसरा ऑप्शन है स्पीड मल्टीप्लायर बनने का। तो हमने बोला हम टर्म निकालेंगे वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो फॉर्मूला है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। ध्यान से फॉर्मूला देखिए, यहां पे ऊपर लोड है और यहां पे ऊपर वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब मैं आपसे कहूं कि ये एफर्ट एक सेकेंड में एक्स डिस्टेंस नीचे आया, मतलब इस रस्सी को मैंने एक सेकेंड में एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा, तो ये लोड उस एक सेकेंड में कितना ऊपर उठेगा, जितना ये रस्सी नीचे जाएगी, यानी ये एक्स नीचे गया तो ये एक्स ऊपर उठा, तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट एक्स अपॉन 1, वेलोसिटी ऑफ लोड एक्स अपॉन 1। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो एफर्ट एक सेकेंड में एक्स डिस्टेंस नीचे एक्स अपॉन 1, और लोड एक सेकेंड में एक्स डिस्टेंस ऊपर, तो एक्स अपॉन 1। नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखेंगे यहाँ पे, एक्स बाई एक्स और ये भी कैंसिल हो गया बच्चों, और हमें कितना मिला 1। यानी इस मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1, मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1। वेलोसिटी रेशियो 1 से क्या समझ में आता है, वेलोसिटी रेशियो 1 का मतलब कि जितनी एफर्ट की स्पीड उतनी ही लोड की स्पीड, मतलब हम जो काम कर रहे हैं उसकी स्पीड बढ़ नहीं रही है, हम एफर्ट को जितनी तेजी से मूव करा रहे हैं लोड भी उतनी तेजी से ही मूव कर रहा है, मतलब हमारी स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हो रही। अगर हमारा वेलोसिटी ऑफ एफर्ट कम होता और वेलोसिटी ऑफ लोड ज्यादा होता, यानी लोड तेज तेज काम कर रहा होता और एफर्ट धीमे धीमे काम कर रहा होता, तो हम बोलते ये क्या बन गया, स्पीड मल्टीप्लायर। पर यहां पर तो ऐसा नहीं है, यहां पे जो एफर्ट की स्पीड है वही लोड की स्पीड, यानी हमारी स्पीड भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो ये स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं बना। तो सिंगल फिक्स्ड पुली, ना ही फोर्स मल्टीप्लायर, वेरी इंपॉर्टेंट, ना ही स्पीड मल्टीप्लायर, ना ही फोर्स मल्टीप्लायर, ना ही स्पीड मल्टीप्लायर, तो फिर इसका काम क्या है, किस लिए बना है? इसका मैकेनिकल एडवांटेज भी 1, वेलोसिटी रेशियो भी 1, ये बना है इसके लिए चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर ये पुली नहीं होती तो मुझे लोड को ऐसे ऐसे खींच कर ऊपर उठाना पड़ता और ये काम बहुत टफ होता, मेरे बैक पेन हो जाता। अभी मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ना लगाकर मैं एफर्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा सकता हूं। किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफर्ट लगाना ज्यादा ईजी है। Suppose there's a small child and he wants to pull a bucket of water from the well. Now he has to pull the water like this. So difficult. But if that child grabs this rope and just hang on it like this, the load will come upward. So it definitely helps in changing the direction of effort. It makes it easy. So this single fixed pulley does not act as force multiplier, does not act as speed multiplier, but gives a very good change in direction of effort. बढ़िया direction of effort को मस्त चेंज किया, ऐसे direction लगाया जहां से सब easy हो गया। तो ये तो बच्चों basic बातें हो गई। अब देखो यहां पे कुछ लिखा हुआ है कि mechanical advantage 1 होगा जब ये machine ideal होगी, जब इसकी efficiency 100% होगी, मतलब इस machine का mechanical advantage fixed नहीं है, मैंने पहले derive कर दिया 1, पर 1 सिर्फ तब होगा जब ये machine ideal, ये सबसे important point बता रहा हूं मैं, यानी जब एफिशिएंसी 100%, जिस मशीन की एफिशिएंसी 100%, वो कैसी मशीन होती है, आइडियल मशीन, बढ़िया काम कर रही है, जितना तुम काम कर रहे हो सारा काम बाहर आ रहा है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही।
अब सिंगल फिक्स पुली आइडियल कैसे बनती है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा मुझे पॉज करके यहां पर। पहली चीज, ये पुली मासलेस हो। कैसी हो? मासलेस, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये जो रोप पड़ी हुई है, ये रोप भी मासलेस हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। पुली और रोप के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो। अगर ये तीनों कंडीशन बन गई तो ये पुली कैसी हो जाएगी? आइडियल। और इसकी एफिशिएंसी 100%, बढ़िया मशीन बन गई। तब मैकेनिकल एडवांटेज 1। अच्छा, वेलोसिटी रेशियो कब बन होगा? हमेशा, ऑलवेज। वेलोसिटी रेशियो को एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता। किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो क्या होता है बच्चों? फिक्स्ड। अगर आपसे पूछता है मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स्ड है कि वेलोसिटी रेशियो, तो आप बोलोगे वेलोसिटी रेशियो, इसको एफिशिएंसी से फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज। सो आइडियल मशीन वो होती है जिसकी एफिशिएंसी 100%, उनमें ये दोनों 1-1। प्रैक्टिकल मशीन जिसकी एफिशिएंसी लेस देन 100%, उसमें ये तो 1 होता है पर ये नहीं पता, तो आप बोलोगे प्रैक्टिकल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाले? तो ये मैंने फॉर्मूला दिया है, प्रैक्टिकल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स है, कितना रहेगा? 1। सिंगल फिक्स्ड पुली देखी तो क्या चीज फिक्स हो गई? वेलोसिटी रेशियो कितना? 1। डन, सोचना भी नहीं है। पर मैकेनिकल एडवांटेज निकालना पड़ेगा। आइडियल मशीन है तो कितना? 1। नहीं है तो एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। जैसे एफिशिएंसी 90%, तो मैकेनिकल एडवांटेज 90/100 इनटू 1 कितना आया? 0.9। एफिशिएंसी 60%, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी 80/100, वेरी सॉरी, दिस शुड बी व्हाट, 60/100 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड दिस विल बी 0.6। एफिशिएंसी 70%, then 70/100 into 1, that is 0.7. So this was the whole summary of single fixed pulley. You have to remember, it always works for change in direction of effort. The velocity ratio is always 1, fixed. The mechanical advantage is 1 if it is ideal. Else, the mechanical advantage is equals to efficiency into velocity ratio. This was all from single fixed pulley. हेलो बच्चा लोग, हम फिर से आ गए फिजिक्स वाला से। आज आपके लिए हम लेके आए हैं सिंगल मूवेबल पुली, है ना। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि फिक्स्ड पुली क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे कि मूवेबल पुली क्या होती है। तो मूवेबल पुली जो कि फिक्स ना हो, कहीं से बंधी ना हो, जैसे कि यह एक पुली है, यहाँ पे हमारा कोई लोड रखा हुआ है जिसे हमें ऊपर उठाना है, और ये पुली देखो किसी भी जगह से फिक्स नहीं है। यहाँ से हम एफर्ट लगाएंगे और ये पुली ऊपर उठता जाएगा, और आपको हमने सिखाया था कि इस पॉइंट पे हम एक फोर्स लगाएंगे टेंशन, यहाँ पे एक फोर्स लगाएंगे टेंशन, और ध्यान रखेंगे कि टेंशन हमेशा पॉइंट से दूर जाता हुआ, हमेशा पॉइंट से दूर जाता हुआ। जैसे हम यहाँ पे टेंशन बनाए इस एफर्ट के एकदम बगल में, तो इससे दूर जाता हुआ मतलब नीचे की तरफ, हम यहाँ पे टेंशन बनाए तो इससे दूर जाता हुआ मतलब ऐसा। और क्योंकि स्ट्रिंग हर जगह सेम है बच्चों, क्योंकि वही रस्सी है या वही रोप है, तो हर जगह टेंशन क्या लिया है? टी टी टी। अगर रस्सी बदल जाती तो टेंशन चेंज हो जाता। तो ये हमारी क्या है? एक सिंगल अकेली और चलने वाली मतलब मूवेबल पुली। तो सिंगल मूवेबल पुली ऐसी होती है जिसमें ये पुली फिक्स नहीं हो, नीचे की तरफ एक फोर्स लग रही है। कौन सी फोर्स बच्चों? लोड। ऊपर यहाँ से टेंशन टी, यहाँ से टेंशन टी। तो अगर आप देखो इसमें लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, या लोड को ऊपर कौन उठा रहा है? एक टी इधर से, एक टी इधर से, यानी कि 2t। अब ये 2t लोड को ऊपर उठाएंगे। और अगर हम पूछें कि एफर्ट किस फोर्स को खींच रहा है, तो एफर्ट को वापस खींचने वाली फोर्स कौन सी है? टेंशन, यहाँ पे नीचे लग रही है। सो एफर्ट किसके इक्वल हुआ? टेंशन के। अब हम आपसे फिर से बात करेंगे किसकी बच्चों? मैकेनिकल एडवांटेज की। तो मैकेनिकल एडवांटेज हम फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, लोड अपॉन एफर्ट। अब यहाँ पे लोड कितना है? 2t, और एफर्ट कितना है? t। कितना आया? 2। मतलब ये मशीन क्या बन गई? फोर्स मल्टीप्लायर। कैसे बन गई फोर्स मल्टीप्लायर, हमें भी समझाइए। देखिए, जो लोड था वो 2t के बराबर था, और जो एफर्ट है वो सिर्फ t के बराबर। मतलब लोड जैसे मान लो 20 न्यूटन है, और हम कितना एफर्ट लगाएं? सिर्फ 10 न्यूटन। कितनी बढ़िया मशीन है कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाओ और 20 न्यूटन वाला काम हो जाए। तो ये मशीन कैसे वर्क कर रही है? फोर्स मल्टीप्लायर। मैकेनिकल एडवांटेज हमने निकाल लिया, लोड अपॉन एफर्ट। पर इसमें बच्चों
एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है कि ये मैकेनिकल एडवांटेज टू तब होगा जब ये पुली आइडियल होगी। आप पुली के पहले लेक्चर में भी हमारे देखिए, फिक्स पुली में भी हमने ये चीज बताई है कि मैकेनिकल एडवांटेज टू, ये वाला जो हमने कैलकुलेशन किया है, ये तभी ट्रू होगी जब ये मशीन क्या हो, आइडियल मशीन हो। अच्छा, तो आइडियल नहीं होगी तो कैसे निकालेंगे मैकेनिकल एडवांटेज? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा और अंदर चलते हैं और एक डिस्कशन करते हैं इसमें कि इस पुली का वेलोसिटी रेशियो क्या है। तो वेलोसिटी रेशियो बच्चों, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो ये होता है वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, है ना। मैकेनिकल एडवांटेज से थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला है, वहां पे लोड अपॉन एफर्ट था, यहाँ पे ऊपर एफर्ट की वेलोसिटी, नीचे लोड की वेलोसिटी। अच्छा, अब यहाँ पे मानिए हमने ये जो पुली है या ये जो लोड है इसको x डिस्टेंस तक ऊपर उठा लिया है। हम यहाँ बना रहे हैं कितना ऊपर उठा लिया है, x डिस्टेंस तक ऊपर उठा लिया है। ऐसे पहले यहाँ पे थी, इसको उठाकर हम यहाँ तक ले आए हैं। कितना ऊपर लेके आए हैं बच्चों? x डिस्टेंस। तो ये जो लोड था, ये लोड भी कितना ऊपर आ गया? x डिस्टेंस उठकर ऊपर आ गया। तो डिस्टेंस मूव बाई लोड कितना हो गया? x। मान लेते हैं ये सब काम 1 सेकेंड में हो रहा है, कि 1 सेकेंड में लोड कितना ऊपर उठ के आया? x। अब ये लोड जब ऊपर आएगा बच्चों, तो ये वाली रस्सी का पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों यहां से निकल के ऊपर चला जाएगा। ये लोड यहां आया पूरा, ये वाला रस्सी का पार्ट, ये पार्ट पूरा फ्री हो गया, तो ये पार्ट निकल के ऊपर। यानी एफर्ट कितना चला बच्चों? x इधर से भी और x इधर से भी, दोनों रस्सियां ही ऊपर आ गई, तो एफर्ट कितना चला है? 2x। तो डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट कितना हो गया? 2x। अब हमें टाइम भी पता है, डिस्टेंस भी पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, डिस्टेंस कितना मूव किया? 2x, कितने टाइम में? 1 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लोड, कितना डिस्टेंस मूव किया? x, कितने टाइम में? 1 सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है बच्चों? 2। So, इस मशीन का वेलोसिटी रेशियो कितना है? 2 है। अच्छा, इससे क्या समझ में आता है कि वेलोसिटी रेशियो 2 है? जैसे मैकेनिकल एडवांटेज ने हमको ये समझाया कि फोर्स 2 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, लोड बड़ा होगा, भारी होगा, एफर्ट हमें कम लगाना पड़ेगा। तो वेलोसिटी रेशियो क्या समझा रहा है? जरा ध्यान से फॉर्मूला देखिए, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, मतलब ये छोटा है और ये बड़ा है, मतलब एफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा है, लोड की वेलोसिटी कम। मतलब हम जो काम कर रहे हैं वो तेज तेज कर रहे हैं और जो आउटपुट मिल रहा है वो धीमे धीमे मिल रहा है ना, यानी स्पीड डिक्रीज कर गई है। वेलोसिटी रेशियो 2 का मतलब स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हुई है, स्पीड क्या की है बच्चों? डिक्रीज की है। और मैकेनिकल एडवांटेज 2 का मतलब फोर्स क्या हुई है? मल्टीप्लाई। तो आप मशीन 01 देखिए, वहां पे हमने ये बात बताई है आपको कि अगर कोई मशीन फोर्स मल्टीप्लायर बनेगी तो फिर स्पीड को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। वेलोसिटी रेशियो 2 मतलब लोड की वेलोसिटी कम, एफर्ट की वेलोसिटी ज्यादा। अच्छा, अब वेलोसिटी रेशियो 2 कब होगा? जब ये मशीन आइडियल होगी? नहीं, यही कंसेप्ट है, मैंने पिछले वीडियोस में भी हमेशा बोला है कि ये ऑलवेज मशीन का जो वेलोसिटी रेशियो होता है बच्चों, वो मशीन को बनाते ही क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। पर मैकेनिकल एडवांटेज किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कि मशीन आइडियल है या आइडियल नहीं है। तो सिंगल मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 अगर वो आइडियल है, और वेलोसिटी रेशियो 2 ऑलवेज। अच्छा, तो सिंगल मूवेबल पुली किस टाइप की मशीन है? हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, स्पीड तो मल्टीप्लाई नहीं की, तो क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर है। अच्छा, अब आपसे सवाल आया कि सर हमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है क्वेश्चन के अंदर, और आप बोल रहे हो कि वो 2 नहीं होगा। तो मान लो कोई प्रैक्टिकल मशीन है बच्चों, तो प्रैक्टिकल मशीन के साथ क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी 100 से कम होती है, 100% से कम होती है। अच्छा, और मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूला है बच्चों, वो है एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। सर अभी तो आपने लोड अपॉन एफर्ट बताया था, देखो वो भी सही फॉर्मूला है और ये भी सही, दोनों 100% करेक्ट है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी एक आइडियल मशीन के लिए बच्चों कितनी होती है? 100%। तो आइडियल मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज हम निकालेंगे तो 100 अपॉन 100 इनटू वेलोसिटी रेशियो, और ये 100 कैंसिल, और बच्चों किसके कल आ गया? वेलोसिटी रेशियो। मतलब आइडियल मशीन की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या है? बराबर है, जो कि यहां दिख रहे हैं 2 और 2। पर अगर प्रैक्टिकल मशीन है तो क्या होगा?
देखते हैं, मानते हैं इस मशीन की एफिशिएंसी 80% है, तब मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा, ईटा इंटू वी आर, ईटा 80/100, और वी आर कितना रखा है हमने 2, जो इसकी वैल्यू है, सो ये 0 और 0 कैंसिल, 16/10, सो दैट इज 1.6, तो मैकेनिकल एडवांटेज 2 से कम आया, कितना आया 1.6, 2 तभी आएगा बच्चों जब ये मशीन आइडियल हो, इसकी एफिशिएंसी 100%। अब हम बोले एफिशिएंसी इसकी 40% है, तो 40/100 इंटू 2, तो 4 2 8, और कितना आएगा मैकेनिकल एडवांटेज 0.8, हो कितना सकता है 2। तो ये तरीका है मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसको हम लोग एकदम अच्छे से याद रखेंगे कि एग्जाम में सवाल आया तो कभी दिमाग में नहीं रखना कि सिंगल मूविंग पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2, ना, सिंगल मूविंग पुली का वेलोसिटी रेशियो 2 और मैकेनिकल एडवांटेज 2 अगर कैसी है आइडियल, अदरवाइज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो। बात क्लियर है, 100% क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट बच्चों, है ना, हमारा काम है मशीन को और अच्छा बनाना और अच्छा बनाना, तो इस मशीन में एक प्रॉब्लम रह गया है। क्या प्रॉब्लम रह गया है, सच बढ़िया मशीन है, फोर्स तो मल्टीप्लाई कर रही है, फायदा तो होता है, दिक्कत यह है कि एफर्ट ऊपर लगाना है ऐसे, और ऊपर एफर्ट लगाना मैं व्यू दो वीडियो से आपको बता रहा हूँ कि ईजी काम नहीं है, है ना, आसान काम होता है, इसे पकड़ के लटक जाओ चीज़ को, यानी एफर्ट किधर लगाओ, नीचे। तो कैसे इसको एक बेटर मशीन बनाया जाए, तो हमने क्या किया कि ये जैसा था उसको वैसा ही बना लिया भाई, ये जो रस्सी आई है इसको हमने पार कर लिया, जो यहां से ये क्या हुआ, ये तो हमारा लोड है, और हमने यहां पे एक नई पुली लगा ली, ये बच्चों के लिए फिक्स्ड पुली। अच्छा, फिक्स्ड पुली का काम क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या चीज बच्चों, डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अभी तक हम एफर्ट ऊपर लगा रहे थे, अब एफर्ट हम यहां से लगाएंगे नीचे, अब देखिए एफर्ट का डायरेक्शन बढ़िया हो गया, हम नीचे खींचेंगे तो भी ये पुली ऊपर उठेगी। ये कौन सी पुली है हमारी, मूवेबल पुली, और वहां पे एक फिक्स्ड पुली, ये कॉम्बिनेशन बड़ा बढ़िया प्रेफर होता है। जैसे सिंगल मूवेबल पुली का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बच्चों, तो ये भी बन के आता है कई बार कि भाई ये सिंगल मूवेबल पुली है, साथ में एक फिक्स पुली लगानी पड़ गई टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, कि हमें ऊपर ना खींचना पड़े नीचे खींचना पड़े। आप बोलोगे सर कैलकुलेशन बिगड़ गई है क्या, नहीं नहीं कैलकुलेशन एकदम सेम है, यहाँ पे देखिए टेंशन टी, यहाँ पे टेंशन टी, पॉइंट से दूर भागता हुआ, पॉइंट से दूर भागता हुआ, यहाँ पे टेंशन टी, इस पॉइंट से दूर भागता हुआ, लोड को कौन कौन उठा रहा है, टी और टी मिला के, तो कितना 2t, और एफर्ट को कौन संभाल रहा है देखेंगे, एफर्ट को टेंशन टी खींच रहा है। सो मैकेनिकल एडवांटेज फिर से निकालेंगे, लोड अपॉन एफर्ट, फिर से बेटा 2t/t, और आंसर वही आ रहा है टी 2, और 2 कब होगा ये सब बातें हम कर चुके हैं कि आइडियल होगा। तो सिंगल मूवेबल पुली हमेशा यूज होती है एक फिक्स पुली सर, एग्जाम में पूछेगा इसका क्या फंक्शन है, तो आप बोलोगे सर इसका फंक्शन है क्या, फोर्स मल्टीप्लायर, और इस वाली पुली का फंक्शन क्या है, चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। तो सिंगल मूवेबल पुली में हम इतनी ही बात करेंगे, आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हेलो बच्चों, हम लोग फिर आ गए, और आज हम पुली में आपके लिए लेके आए हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट लगता है, बट होता बहुत इजी है। जैसे यहां हमारे पास ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, तो ब्लॉक क्या होता है और टैकल क्या होता है, कई बुक्स बताती हैं कि ये जो दो ऊपर वाली पुली है ये ब्लॉक है, ये फिक्स्ड पुली है रोकी हुई है तो ब्लॉक्ड है, और ये पुली देखिए मूवेबल पुली है तो हम बोलते हैं ये टैकल है, है ना, इसको हमें टैकल करना है, इसको हमें रोकना है। सो दीज आर द ब्लॉक्स एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू टैकल। और कई किताब ऐसे भी बताती हैं कि ये तीनों ही पुली, ये तीनों ही पुली, और यहाँ पे ये जो सपोर्ट लगा है पुली को, ये जो हुक लगा है, ये पुली, ये लोड, ये सब ब्लॉक, ये सारी चीजें ब्लॉक, और ये जो रोप पड़ा है वो टैकल है। तो इतना अगर इस डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ा है, हमने सीखना अंदर के कॉन्सेप्ट्स। तो हमने देखा जैसे तीन पुली का सिस्टम है हमारे पास, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में 2, 3, 4, 5 पुलीज हो सकती हैं, तीन पुली का सिस्टम है, तो तीन पुली को अरेंज कैसे करना है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा ऊपर वाली पुलीज ज्यादा होंगी, यहाँ पे ऊपर वाली पुलीज हमने 2 ले ली, और नीचे वाली पुली हमेशा कम होगी तो यहाँ पे 1 ले ली, या तो ये हो सकता है कि ऊपर वाली पुली और नीचे वाली पुली बराबर, पर कभी भी नीचे वाली पुलीज ऊपर वाली से ज्यादा नहीं हो सकती, या तो दोनों बराबर या तो ऊपर वाली ज्यादा। तो यहाँ पे हमने 2 पुली ऊपर रखी और 1 पुली नीचे। अच्छा, यहाँ से देखिए इसको सपोर्ट से लगा दिया और यहाँ पे भी सपोर्ट से लगा दिया, अब ये रोप मत देखिए, अब रोप हम लोग देखेंगे।
हमने रोप ली और रोप को डाला ऊपर वाली पुली से, फिर ले गए नीचे वाली पुली में, फिर अंदर डाला, यहां से जब रोप निकला तो उसको हमने सादे वाली सामने वाली पुली में बांध दिया। बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमने यहां से रोप लिया, इसको इसमें ले गए, फिर इसमें घुमाया, फिर इसमें घुमाया और यहां से लेके सामने वाली पुली में बांध दिया। ठीक है, अब हम इसमें टेंशन एफर्ट लोड मार्क करेंगे। तो लोड सबसे नीचे मूवेबल पुली पे लगा है, लोड नीचे गिर रहा है, यहां से टेंशन ऊपर की तरफ, यहां से टेंशन ऊपर की तरफ, यहां से टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम दैट पॉइंट, और यहां पे भी टेंशन इस तरफ ऊपर की तरफ, यहां से हम एफर्ट लगा रहे हैं, इसको ऐसे खींच रहे हैं और टेंशन ऐसे लगा रहे हैं। तो अगर आप देखो लोड को कौन ऊपर उठा रहा है, तो लोड को टेंशन 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 तीन टेंशन बिल्कुल ऊपर उठा रहे हैं, तो लोड इज इक्वल टू 3t, और एफर्ट किस फोर्स को खींच रहा है, टेंशन को, तो एफर्ट इज इक्वल टू टी। अब हम मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। तो लोड हमारा कितना है, 3 टाइम्स ऑफ टेंशन, एफर्ट कितना है, सिर्फ टेंशन, एफर्ट सिर्फ टेंशन, लोड 3t, कैंसिल, 3 का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई, कैसे कैसे, यहां पे देखिए जो लोड है वो 3 टेंशन है और जो एफर्ट है सिर्फ टेंशन है, मतलब लोड बहुत बड़ा है 3 टेंशन के बराबर, और एफर्ट छोटा सा टेंशन के बराबर, बड़ा सा लोड छोटे से एफर्ट से उठा लिया, बड़ा सा लोड छोटे से एफर्ट से उठा लिया, क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कैसे फंक्शन करेगा, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। याद आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैकेनिकल एडवांटेज 3 है तो पर का, तब जब इसकी एफिशिएंसी 100% है, तब जब ये आइडियल सिस्टम है। लेकिन जो मैकेनिकल एडवांटेज हम कैलकुलेट करते हैं ना, ये हम लोग आइडियल सिस्टम मानते हैं कि लोड 3t तो एफर्ट 50, मतलब हम सिर्फ लोड उठा रहे हैं क्या, नहीं, हम तो पुली को भी संभाल रहे हैं, ये नीचे वाली पुली का वेट भी तो हमको उठाना है, ये जो रस्सियां हैं इनका वेट भी तो हमें झेलना है, इन रस्सियों पुली के बीच में जो फ्रिक्शन है उसको भी तो ओवरकम करना है, पर ये सब हमने कंसिडर नहीं किया। मतलब ये मैकेनिकल एडवांटेज जो हमने निकाला वो किसका निकाला, आइडियल सिस्टम। जब एफिशिएंसी कितनी है 100%, मस्त मशीन है, कोई दिक्कत नहीं, ये मासलेस पुली, ये स्ट्रिंग्स मासलेस और कोई फ्रिक्शन भी नहीं, ये मान। तो सर क्या चीज फिक्स होती है, बच्चों वेलोसिटी रेशियो किसी भी मशीन का बनाते ही फिक्स हो जाता है, बनाते ही फिक्स हो जाता है, मशीन के पार्ट्स पे डिपेंड करता है, कंपोनेंट्स पे, कॉन्फ़िगरेशन पे, कैसे बना है, वो बन रहा अगर चेंज नहीं हुआ तो वेलोसिटी रेशियो चेंज नहीं होगा, तो मशीन के बनते ही क्या फिक्स होता है, वेलोसिटी रेशियो, और क्या चीज वेरिएबल है, मैकेनिकल एडवांटेज। ओके, सो वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, velocity of effort upon velocity of load, velocity of effort upon velocity of load, और कितना रहा है, 3, कितना रहा, 3, इस सिस्टम का 3 आ रहा, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ आपके काम करने की स्पीड कम हो रही है, ये मशीन फोर्स तो मल्टीप्लाई कर रही है पर स्पीड को डिक्रीज कर रही है, कैसे, velocity of effort upon velocity of load, यानी एफर्ट की velocity लोड से 3 गुना ज्यादा, एफर्ट की velocity लोड से 3 गुना ज्यादा, हम काम बहुत तेजी तेज कर रहे हैं और वहां काम बहुत धीमे हो रहा है, तो एक बार में एक ही चीज हो सकती है, इधर फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर, यहां पे हमने फोर्स मल्टीप्लाई की तो वेलोसिटी और एफर्ट ज्यादा हो गया, एफर्ट बहुत तेज चल रहा है, काम बहुत तेज कर रहे हैं, वो बहुत धीमे रहा है, मतलब स्पीड मल्टीप्लाई नहीं हो रही। सो वेलोसिटी रेशियो इसका 3 का ऑलवेज वेलोसिटी रेशियो में हमें कुछ नहीं देखना है कि आइडियल है कि नहीं, वेलोसिटी रेशियो मशीन का फिक्स कितना हुआ। तो आप बोलोगे मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाला जाए, देखिए आइडियल है एफिशिएंसी 100%, तो फ्री बना मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ दिस होल चैप्टर, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी कितना है 90%, मान लिया एग्जांपल, तो मैकेनिकल एडवांटेज 90/100 * 3, व्हिच गिव्स 2.7, यानी कम है, 3 से कम है, क्यों, क्योंकि अभी आइडियल नहीं है। मान लीजिए एफिशिएंसी 60% ले रहे, कितना 60%, 60/100 * वेलोसिटी रेशियो तो फिक्स है, 3 रख दिया, 1.8, यानी मैकेनिकल एडवांटेज 3 से ज्यादा नहीं आ सकता, और 3 के बराबर भी सिर्फ एक बार जब आएंगे, वरना उससे कम। सो ये है एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का काम, क्या काम है, फोर्स मल्टीप्लाई करना, वहां यूज करेंगे जहां फोर्स को मल्टीप्लाई, जहां स्पीड कम हो रही हो, स्पीड से हमें फर्क नहीं पड़ रहा, और कितने गुना मैक्सिमम ये फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, 3 गुना, बढ़िया। अब इसका दूसरा एग्जांपल जिसमें हमारे पास 4 पुली है, बच्चों सारे एग्जांपल पढ़ना है ना, सारे टॉपिक पढ़ना है, तो 4 पुली, तो मैंने कहा या तो ऊपर वाली पुली नीचे वाली बराबर, या तो ऊपर वाली ज्यादा, तो 4 है तो सिस्टमैटिकली 2 2, आप बोलोगे सर 4 को 3 1 कर सकते हैं, नहीं नहीं,
जहां बराबर हो सकती है पहले बराबर करो, अगर बराबर नहीं हो पा रही है तो ऊपर वाली पुली ज्यादा और नीचे वाली कम। हाँ स्पेशल केसेस भी हैं जब नीचे वाली पुली ज्यादा होती है, पर अभी उसकी बात नहीं। तो दो पुली लगा दिया। अब यहां से हमने इसको ऐसे बांधा, यहां से ऐसे बांधा, ये दोनों मूवेबल, ये दोनों फिक्स्ड। अब हमको इस पर रोप डालना है, तो रोप यहां से डाला ऊपर से सबसे नीचे वाले में, फिर बीच वाले में, फिर इससे निकाला और इसके सामने वाले में बांधा, यहां से निकाल के इसके सामने वाले में बांधा। लोड नीचे, टेंशन यहां से ऊपर, टेंशन यहां से ऊपर, टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। यहां से टेंशन ऐसे, यहां से टेंशन ऐसे। तो लोड को कितने टेंशन ऊपर खींचना है, चार, एक दो तीन चार, चार टेंशन। और एफर्ट किस फोर्स को खींच रहा है, टेंशन। मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन एफर्ट घट गया फोर, फोर कब होगा जब आइडियल, वरना मैकेनिकल एडवांटेज ईटा इनटू वेलोसिटी रेशियो। क्या फिक्स है इस पुली का, क्या फिक्स है, वेलोसिटी रेशियो फोर ऑलवेज, वरना मैकेनिकल एडवांटेज कितना फोर जब आइडियल, वरना ऐसे निकालेंगे। रस्सी किस डालनी है, ये सामने बांध दी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। लास्ट एग्जाम्पल जहां पर हमारे पास पांच पुली है, तो पांच इक्वली डिवाइड नहीं हो सकती, तो तीन ऊपर दो नीचे, नीचाली से लोड डाला दिया, नीचाली पुली मूवेबल है, अच्छा होगा कि ये मासलेस हो, अच्छा होगा ये मासलेस हो, आइडियल मशीन है। अच्छा यहां से डाला रोप नीचे, फिर बीच वाले में, फिर अंदर वाले में, और फिर खत्म हो गया तो सामने वाले में बांध दिया। मतलब यहां से डाला नीचे, फिर इसमें, फिर इसमें, और यहां से निकला तो इसमें बांधे कि इसमें बांधे, इसमें बांधे कि इसमें, तो सामने वाले। अब इस पुली में देखिए लोड को ऊपर कौन खींच रहा है, टी 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 पांच टी, और एफर्ट किसको खींच रहा है, टी। मैकेनिकल एडवांटेज फाइव जब आइडियल होगी, और वेलोसिटी रेशियो हमेशा फाइव। मतलब ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में अगर एन पुलीज हैं, कितनी पुलीज हैं, एन, जैसे यहां पे थ्री पुली तो वेलोसिटी रेशियो थ्री, यहां पे चार पुली तो वेलोसिटी रेशियो फोर, और यहां पे पांच पुली तो वेलोसिटी रेशियो फाइव। मतलब एन पुली तो वेलोसिटी रेशियो एन के बराबर, और मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। 100% होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज भी 100% होगा, तो 100 रखेंगे, 100 बाय 100 कैंसिल, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर, जैसे यहां पे, जैसे यहां पे, और जैसे कि यहां पे, पर ये हमेशा नहीं होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम रिली। हम लोग इसके आगे इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे, जिसमें कुछ चीजें उल्टी होंगी, जिसमें मैं ये भी बताऊंगा कि चार पुली से मैकेनिकल एडवांटेज पांच, पर इसके लिए आपको वेट करना होगा, पहले इसको खूब अच्छे से प्रैक्टिस करें। मैंने फिक्स पुली निकाली, मैंने मूवेबल पुली निकाली, और मैंने ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम निकाला। तो बच्चों खूब पढ़ाई करें, मस्ती करें, और पढ़े से पढ़े करें, टेंशन नहीं लें, और सीरियस होकर पढ़ाई करें, टेंशन नहीं, सीरियस होकर। चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। व्हाट वाज दैट, वाज दैट गुड। हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो है पुलिस के आईसीएसई में आए हुए क्वेश्चंस। अगर आपने पुली पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो नीचे मैंने लिंक्स दिए हैं, वीडियो में जाके पहले आप पुलिस पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2013 में जो क्वेश्चन आया वो था, ड्रॉ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुली विथ वेलोसिटी रेशियो 4 एंड फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज इफ इट इज एन आइडियल पुली। तो वेलोसिटी रेशियो 4 से क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि चार पुली होगी, नंबर ऑफ पुली किसके इक्वल होगी, वेलोसिटी रेशियो के। तो हमें कितनी पुली बनानी है, चार, तो चार को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं, तो कर लीजिए दो ऊपर की तरफ और दो नीचे की तरफ। अगर पांच होती ना तो तीन ऊपर दो नीचे, छह होती तो तीन ऊपर तीन नीचे, सात होती तो चार ऊपर तीन नीचे। मतलब ऊपर वाली पुली या तो ज्यादा होगी या तो बराबर होगी। अब हमने यहां से इसको ऐसे कर लिया, यहां पे हमने ऐसे फिक्स कर दिया, ओके, और ये हमने ऐसे लगा दिया पूरा, इसको फिक्स हो गए दो, यहां से एक हुक बना दिया, इन दो पुलिस को आपस में फिक्स कर दिया, और एक हुक यहां से बना दिया, और यहां से लोड लटका दिया नीचे, लोड, लोड का डायरेक्शन नीचे। तो हमेशा ही क्वेश्चन में रहता है कि डायरेक्शन ऑफ लोड और डायरेक्शन ऑफ एफर्ट और टेंशन भी मार्क करिए। अब इसमें हमें रोप डालना है, तो रोप कैसे डालना है, बाहर से डालेंगे रोप यहां से, और ऊपर से ले जाके सबसे नीचे वाले में, फिर यहां से निकाल के इसमें, फिर यहां से निकाल के इसमें, और इसमें से रोप बाहर आई है तो इसके सामने वाले में ले जाके बांध देना, यहां से बाहर आई तो इसके सामने वाले में बांध दिया, ठीक है। अब यहां से हम लगाएंगे एफर्ट, जो हम खींचेंगे, और इस एफर्ट की वजह से पूरी स्ट्रिंग में टेंशन आएगा। इस पॉइंट पे एफर्ट की वजह से जो टेंशन आएगा बच्चों, वो होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट, यानी इस पॉइंट से दूर, ऐसे। यहां पे टेंशन बनाना चाहे तो यहां से दूर, ऐसे। यहां पे बनाना चाहे यहां से दूर, ऐसे। यहां पे बनाना चाहे यहां से दूर, ऐसे। यहां पे बनाना चाहे तो यहां से दूर। टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द
पॉइंट, किसी भी पॉइंट से दूर जाता हुआ। और पूरी स्ट्रिंग में टेंशन सेम टी ही बनाया है क्योंकि ये स्ट्रिंग पूरी सेम है, अगर स्ट्रिंग चेंज होती तो टेंशन चेंज होता। तो वेलोसिटी रेशियो 4 था इसलिए 4 पुली बना ली मैंने, बहुत बढ़िया तैयार हो गया ये। फिर क्या पूछा है, फाइंड इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इफ इट इज एन आइडियल पुली। तो बच्चों मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है, वेलोसिटी रेशियो बता रखा है 4 है, और आइडियल पुली है, आइडियल मतलब बढ़िया है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं, तो उस टाइम एफिशिएंसी हो जाएगी 1, परसेंटेज में बोलेंगे तो 100% और फ्रैक्शन में 1। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू 1 × 4, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ गया 4। तो जब भी कोई मशीन आइडियल होती है तो उसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमेशा बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ICSC 2016, एक दो पुलीज बनी हुई है, एक पुली ए एक पुली बी, यहाँ पे लोड है और टेंशन बना हुआ है, इतना दिया हुआ था। क्वेश्चन पूछा व्हाट काइंड ऑफ पुली आर ए एंड बी। ए पुली को देखिए कहीं से बंधी नहीं है, कहीं से फिक्स है क्या, नहीं तैर रही हवा में। अगर मैं इधर से स्ट्रिंग को खींचूं, इधर से स्ट्रिंग को पुल करूं तो ये तो पुली ऊपर उठने लगेगी, मतलब ये पुली मूवेबल है। तो हम लोग बोलेंगे जो पुली ए है वो कैसी पुली है, मूवेबल पुली। और पुली बी को देखिए वो एक जगह से बंधी हुई है, यहाँ ऊपर से बंधी हुई है। अगर मैं स्ट्रिंग खींचूंगा तो ये वायर ऊपर आएगा या ये स्ट्रिंग ऊपर आएगी, ये पुली अपनी जगह से मूव नहीं करेगी। कैसी पुली है, फिक्स्ड, अपनी जगह पे रुकी हुई। तो बी हो गई हमारी फिक्स्ड पुली। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बी। तो बच्चों फिक्स्ड पुली का पर्पस क्या होता है, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है सिंगल फिक्स्ड पुली। तो फिक्स्ड पुली का पर्पस होता है टू चेंज डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। अगर ये पुली ना होती मेरी, कौन सी, बी वाली, तो मुझे इस लोड को यहां से उठाना पड़ता टेंशन लगा के, इस टेंशन की वजह से यहां से ऊपर, तो हमें एफर्ट ऊपर की तरफ लगाना पड़ता। इस पुली से क्या फायदा हुआ, हम एफर्ट किधर लगा रहे, नीचे। सो इट हैज चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, जिससे हमें कुछ फायदा हो गया। अब हम एफर्ट किधर लगा सकते हैं, नीचे, हम यहां से खींचेंगे ना इसको नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ फोर्स लगाना ईजी होता है, ठीक है। इसका वीडियो आप देख सकते हैं, नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक है। नेक्स्ट है एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 20 kgf, और बोल दिया कैसी पुली है, आइडियल पुली। तो दोस्तों जब भी ये ऐसी पुली दिखे, कैसी पुली, मूवेबल पुली, तो एक मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो होता है 2, मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो 2। तो नीचे लिंक है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, सिंगल मूवेबल पुली, तो मूवेबल पुली का वेलोसिटी रेशियो 2। अब हमसे पूछा है एफर्ट कितना चाहिए, तो बच्चों उसके लिए हमें मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो। अब देखिए दिया हुआ है कि आइडियल पुली है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू एफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1, अभी बताया था आइडियल पुली की एफिशियंसी 1 इनटू वेलोसिटी रेशियो जो कि 2 है, तो मैकेनिकल एडवांटेज आ गया इसका 2। अब हमें लोड निकालना है, सॉरी एफर्ट निकालना है। सो मैकेनिकल एडवांटेज का बच्चों जो एक और फॉर्मूला है वो है लोड अपॉन एफर्ट। तो मैकेनिकल एडवांटेज जगह मैंने रखा लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए हमको लोड दिया हुआ है 20 kgf, तो लोड की जगह रख दीजिए आप 20 kgf, और एफर्ट नहीं पता इज इक्वल्स टू 2, तो एफर्ट हो जाएगा कितना 10 kgf। तो 10 kgf का एफर्ट लगाकर हम कितना लोड उठा सकते हैं, 20 kgf का, मतलब ये बढ़िया मशीन है, फोर्स को मल्टीप्लाई कर रही है। 10 kgf का एफर्ट लगाओ और लोड कितना उठा लो, 20 kgf। तो इसका जरूर वीडियो देखिए, सिंगल मूवेबल पुली। ये दो क्वेश्चन हो गए, लेट अस मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, ICSC 2015। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, तक ओके। सो 2015 का क्वेश्चन है, ब्लॉक एंड टैकल का ही क्वेश्चन है, यस। ड्रॉ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम विथ वेलोसिटी रेशियो 5। तो 5 वेलोसिटी रेशियो का मतलब कितनी पुली, 5 पुली। अब 5 पुली को कैसे बनाएंगे हम, तो मैंने बताया 3 ऊपर और 2 नीचे, तो 1, 2, 3 और 2 नीचे, 1, 2, इन तीनों को एक सपोर्ट से बांध दीजिए, और यहां से इसको फिक्स कर दिया, और इन तीनों को एक सपोर्ट से बांध दीजिए, एक हुक यहां से निकाल दीजिए, एक हुक यहां से, यहां नीचे वाली पुली से क्या लगा दीजिए, लोड, और लोड किधर गिरेगा, नीचे, तो लोड का डायरेक्शन नीचे। अब रोप डालनी है, तो रोप यहां से स्टार्ट हुई, सबसे पहले यहां से कहां जाएगी, लास्ट वाले में, फिर इसमें, फिर अंदर, फिर और अंदर, और यहां से निकलकर सामने वाले में बांध दिया, यहां से निकाला तो इसके सामने वाले में बांध दिया। यहां से हम लगाएंगे बच्चों एफर्ट,
और यहाँ पे स्ट्रिंग हमें ऊपर खींचेगी किस फोर्स से, टेंशन, टेंशन इज अवे फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे टेंशन इधर, यहाँ पे टेंशन इधर, यहाँ पे टेंशन इधर, यहाँ पे अवे फ्रॉम द पॉइंट, यहाँ पे अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो ये टेंशन बन गया। तो मैंने टेंशन, एफर्ट, लोड सब मार्क कर दिया और इस पुली का सिस्टम का वेलोसिटी रेशियो 5, क्योंकि कितनी पुली है 5, चार पुली होती तो 4, किसमें ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। फिर बोला एफिशिएंसी है 75%, दैट इज 75/100। ओके, हमसे पूछा फाइंड लोड दैट कैन बी लिफ्टेड विद द एफर्ट ऑफ 150 kg। तो पहले मैकेनिकल एडवांटेज कैलकुलेट करेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी 75/100 और वेलोसिटी रेशियो 5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा ये 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, सो 15/4 इज द मैकेनिकल एडवांटेज, राइट, 25 × 3 = 75, 25 × 4 = 100, दैट इज फाइन। ओके, नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, लोड। तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल्स टू लोड अपॉन एफर्ट, कितना है 15/4 इज इक्वल्स टू लोड, मेरे को नहीं पता, और एफर्ट 150 kg बच्चों, तो लोड कितना हो गया 150 मल्टीप्लाइड बाई 15/4, दैट्स इट, सो 4 × 4, 4 × 3 = 12 एंड दिस विल कम आउट टू बी व्हाट 13, सो 4 × 7 = 28 एंड व्हाट 20, सो 4 × 5 = 20 एंड यू कैन मल्टीप्लाई एंड गेट द लोड एज वेल। ओके, सो दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कोई बात नहीं, और वीडियोस पढ़िए, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम भी नया नीचे लिंक दे रहा हूँ, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो तीनों पुलिस बढ़िया से पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।